आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल बटाटा पोहा, जो महाराष्ट्र की सड़कों पे, मुंबई की सड़कों पे फेमस है और मिलता है। तो एकदम आसान तरीका और स्वाद में चटपटा, झटपट बनाएंगे मज़ेदार का नाश्ता, जिसे बटाटा पोहा कहते हैं। एक बार बनाकर खाएंगे तो हफ्ते में 2-3 दिन तो आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार का है, डिलीशियस रेसिपी है। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मोटा वाला पोहा, जिसे जाड़ा पोहा कहते हैं महाराष्ट्र में। तो पतले वाले पोहे का यूज बिल्कुल भी ना करें, यहाँ पर जाड़ा पोहा लेना है। तो हम यहाँ पर लिए हैं 1 बाउल और 1 बड़ी सी छलनी। तो इस छलनी के अंदर हम डाल देंगे पोहे को, और इसके ऊपर से हम पानी डालकर इनको अच्छे से 2-3 पानी डालकर वॉश करेंगे, जिससे इनके अंदर की इम्प्योरिटी और इनके ऊपर के डस्ट सब पानी में निकल जाए। और इन्हें हल्के हाथों से धोना है, बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं धोना है, दबा के नहीं, तो ये टूट जाएंगे। बस ऊपर से इसी तरीके से पानी डालना है, हल्के से इनको हाथ से इधर उधर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इनका पानी जब निकल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो इनको साइड में उठाकर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 बार पानी डाला है। अब देखिए, ये जो नीचे बाउल में पानी दिख रहा, कितना गंदा पानी है, सारी इनकी इम्प्योरिटी निकल गई है। अब इनको रखेंगे साइड में। तो हम रखेंगे गैस पर एक पैन, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल या ऑयल। अब 1 टीस्पून डाल देते हैं जीरा, 1 टीस्पून डाल देते हैं काली सरसों या राई। अब 2 हरी मिर्च और 10 से 11 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप मूंगफली। अब यहाँ पर इसके बाद डाल देते हैं 2 कटी हुई डाइस में कटी हुई आलू, ये कच्चे आलू हैं। अब इनको डालकर हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, इसी तरीके से स्टर्न करते हुए, क्योंकि आलू भी कच्चे हैं और मूंगफली के दाने भी कच्चे हैं। तो जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा आलू का, तो यहाँ पर हम 2 प्याज कटी हुई डाल देंगे, बारीक कटी हुई प्याज है ये। तो अब इनको हम भूनेंगे, प्याज का भी कलर चेंज हो जाए, जिससे थोड़े से मूंगफली और थोड़े से आलू पक जाएं, और साथ साथ में प्याज भी अच्छे से पक जाए। तो इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच यहाँ पर हम चीनी, इससे टेस्ट अच्छा निखर कर आता है पोहे में। तो यहाँ पर देखिए, आलू मूंगफली और प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ी सी यहाँ डाल देंगे हल्दी पाउडर। नमक इसलिए डाल रहे हैं ताकि आलू हमारे सॉफ्ट हो जाए, और जो है हल्दी कलर के लिए डाल रहे हैं। पोहे में नमक और हल्दी तो ज़रूर पड़ती है दोस्त, डालिएगा। अब इनको हम स्टर्न कर लेते एक बार वापस से अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आलू मूंगफली अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पक चुके हैं। तो यहाँ देखिए, प्याज का कलर एकदम चेंज हो गया है। अब हम जो पोहे को धो कर रखे थे, उनको इस वक्त डालेंगे। तो एक आलू हम पहले चेक कर लेते हैं। तो आलू हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए कट रही है। अब इसके बाद हम इनको जो है, जब ये पक गए हैं अच्छे से, इनको चेक कर लीजिएगा। तो इनके बाद हम डाल देंगे धुला हुआ पोहा। तो पोहा देखिए एकदम खिला खिला है, चिपचिपा नहीं है, एकदम चिपका हुआ नहीं है।
तो अभी मैंने पोहे के ऊपर जो है कुछ भी नहीं डाला है, बस पोहा को धुल कर रख दिया था और थोड़ी देर बाद उनको हाथों से मैंने रफ कर लिया था बस, और कुछ नहीं किया था। तो इनको पैन में हम डालकर हल्के हाथों से स्टर्न करेंगे, नहीं तो पोहे एकदम टूट फूट जाएंगे। यहाँ पर देखिए हल्दी जो है पोहे में एकदम अच्छे से कलर आ गया है, मिल गई है। इनको हल्के हाथों से मैंने रफली मिक्स किया है। अब बारीक कटा हुआ यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे और आधा कटा नींबू का रस डाल देंगे। तो अब क्या मज़ेदार का पोहा हमारा बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑन ही रखा है लो टू करके। अब क्या करेंगे, नमक तो मैंने डाल ही दिया था, बस इनको 1 मिनट के लिए यहाँ पर स्टीम होने के लिए लीड लगा देंगे। तो देखिए एकदम हमारा बटाटा पोहा खिला खिला है, चिपके हुए बिल्कुल भी नहीं है। तो लिड से कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए और जैसे 1 मिनट हो जाएगा उसके बाद हम चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसके कलर, इसके टेक्सचर, क्या मज़ेदार का हमारा बटाटा पोहा बन के तैयार है। तो ये चलिए इसको सर्व करते हैं। रेसिपी हमारी आज की कैसी लगी आपको फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पोहा तो बहुत बार आपने बनाकर खाया होगा, बटाटा पोहा, इंदौरी पोहा मैंने बनाकर अपने चैनल पे डाला हुआ है। इंदौरी पोहा अवेलेबल है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार का पोहा, इंदौरी पोहा भी बनता है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। बाय दोस्तों।